परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग फिर से उसके चरणों में इकट्ठा हैं। हम लोगों ने उसे आराधना दिया, उसकी स्तुति की, क्योंकि वो इसके योग्य है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और उसके उत्तर में हम उसे यही दे सकते हैं, हम उसे धन्यवाद कह सकते हैं, हम अपने आप को उसके लिए समर्पित कर सकते हैं। हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बन गया, वो सारी बातों में हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। हम लोग इब्रानियों की पत्री में इसको फिर से पढ़कर देखें, इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद 14 से, तो वहां लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। पद 17, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासियों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपनी योजना को पूरी की, बहुत बड़ी योजना, उसको कोई दूसरा व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसने यीशु मसीह में हमारे लिए एक उदाहरण भी रखा और उसने यीशु मसीह को इस रूप में हमारे सामने भेजा कि वह सब बातों में हमारे समान बने। लिखता है कि इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, अपने भाइयों के समान अर्थात हमारे समान, क्योंकि पद 11 जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, पवित्र करने वाला अर्थात परमेश्वर या पवित्र करने वाला यीशु मसीह और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात हम लोग, सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं डर जाता। हम एक ही मूल से हैं, हम लोगों का जन्मदाता खुद परमेश्वर हो जाता है, हम लोग नया जन्म पाकर परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, उसके राज्य में उसके वारिस बन जाते हैं, और इसलिए वह हमें अपना भाई कहता है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, और वह सब बातों में अपने भाइयों के समान अर्थात हमारे समान बन गया। तो यीशु मसीह का जीवन जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम उसके जीवन से अपने जीवन की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वह सब बातों में हमारे समान बना, सिर्फ इसलिए कि हमें भी सब बातों में अपने समान कर ले, और उसने ऐसा किया भी। हम लोगों ने इस बात को सीखा है कि उसने हमें धर्मी भी ठहरा दिया, उसने हमें पवित्र भी कर दिया, उसने हमें सिद्ध भी किया, लेकिन हम लोग इन दिनों पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे पवित्र आत्मा के साथ में, तो हम लोग वहां से अपने जीवन के लिए उदाहरण ले सकते हैं, हम उसके साथ में एक समानांतर ले सकते हैं अपने लिए, कि जैसा यीशु मसीह के साथ में पवित्र आत्मा का संबंध था, उस रीति से हमारे साथ भी पवित्र आत्मा का संबंध है, क्योंकि यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान हो गया, अपने भाइयों के समान हो गया। सो हमने यीशु मसीह के विषय में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि उसके मरियम के गर्भ धारण करने से पहले स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी, और इसलिए तुझसे जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में उसके लिए एक देह तैयार की गई और उस देह में होकर के यीशु मसीह इस संसार में आया, और उस गलील में नासरत में रहते हुए उसके बहुत सारे साल पूरे हो गए, तब जब वह 30 वर्ष का हुआ यर्दन के नदी पर पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतर आया। सब उसके जीवन में दो घटनाओं को देखते हैं, पहला ये कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, और एक समय वो घटना घटी जब पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नाई उतर आया या पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, और उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी देखते हैं, जिस समय हम लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हम परमेश्वर के संतान बन गए, उसके राज्य में हमारा जन्म हुआ, हम लोगों का नया जन्म हुआ। यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, उसने कहा था जो शरीर से जन्म है वह शरीर है परंतु जो आत्मा से जन्म है वह आत्मा है। सो आत्मा से जन्म है वह आत्मा है, अर्थात कौन है जो आत्मा से जन्म, किस आत्मा से हम जन्म लेते हैं, वो पवित्र आत्मा है जिससे हमने जन्म लिया।
जब हमने नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा हमारा जन्मदाता है, हम उससे उत्पन्न हुए। जैसे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उस गर्भ, मरियम ने उस गर्भ को धारण किया और उस गर्भ से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। सो हमारे जीवन और उसके जीवन में कुछ समानता है, कुछ समानांतर हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, हम लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए। लेकिन यीशु मसीह उतने में शांत नहीं थे, उतने में उन्होंने सेवकाई शुरू नहीं की। हमने पिछली बार देखा था उन्होंने पहला जो आश्चर्य कर्म दिखाया वो गलील के काना में दिखाया, जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा था। उसके कुछ दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद, वो गलील के काना में गया। वहां पर उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। वचन कहता है कि उसने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपने आप को प्रमाणित किया। सो उसने पहला चिन्ह दिखाया पवित्र आत्मा के आगमन के बाद। लेकिन हम लोगों ने एक और चीज को सीखा था कि ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का संबंध सिर्फ यरदन में ही शुरू हुआ। वो तो पवित्र आत्मा से जन्म लिया था, 30 वर्ष तक वो कुछ नहीं सेवकाई किया और 30वें वर्ष में पवित्र आत्मा उस पर यरदन में उतर आया। लेकिन बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि उसके पहले भी उसका पवित्र आत्मा के साथ किसी रूप में संबंध था। हम लोगों ने इस बात को भी देखा था, फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 9 और उसके पद 14, जहां पर यीशु मसीह के बलिदान और पुराने नियम के बलिदानों की चर्चा है और दोनों में तुलना की गई है और ये बताया गया है कि यीशु मसीह का बलिदान पुराने नियम के सारे बलिदानों से श्रेष्ठ। पुराने नियम में तो जानवरों का बलिदान किया गया था और जानवरों का लहू या जानवर मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकते, वो उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए अपर्याप्त है। लेकिन इस समय तो यीशु मसीह बलिदान हुए थे। पुराने नियम में जानवर देखा जाता था कि वो निर्दोष हो, निर्दोष मतलब पाप के रूप में नहीं, उसके शरीर को देखा जाता था कि उस पर कोई कलंक ना हो। और यहाँ पर तो यीशु मसीह था जिसमें शरीर शारीरिक रूप में भी कोई कलंक नहीं था, आत्मिक रूप में भी कोई कलंक नहीं था, उसमें कोई पाप भी नहीं थे। तो यीशु मसीह का जो बलिदान था वो सिद्ध बलिदान था, वो निष्पाप बलिदान था। सो यीशु मसीह जब 33 वर्ष की आयु के हो गए तब उसका बलिदान क्रूस पर हुआ। तो जब उसका बलिदान क्रूस पर हुआ उस समय तक वो पूरी रीति से पवित्र रहे क्योंकि वो निर्दोष होकर के बलिदान हो गए। क्योंकि अगर वो निष्पाप नहीं होते तो उनका बलिदान हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर बलिदान हो गए थे, तो इसलिए उसको निष्पाप रहना जरूरी था। सो जब से वो पैदा हुए और जब तक वो क्रूस पर नहीं गए उसको निष्पाप रहना जरूरी था। और ये पद इस बात को बताता है कि वो निष्पाप क्यों रहा और लिखता है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो यीशु मसीह ने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, निर्दोष रख सका वो अपने आप को कैसे, सनातन आत्मा के द्वारा। सनातन आत्मा पवित्र आत्मा है। सो यीशु मसीह जब से वो उत्पन्न हुआ और जब तक वो क्रूस पर था वो पवित्र था, पवित्र रहा। उसका एकमात्र कारण है कि पवित्र आत्मा की सहायता उसने ली। क्योंकि जब वो बड़ा होने लगा, जब तक वो 30 वर्ष का हो, कितनी परीक्षाएं उसके जीवन में आई होंगी। अगर आप 30 वर्ष के हैं या उससे कम के हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और लेकिन तब यीशु मसीह के जीवन में तो पवित्र आत्मा यरदन में उतरा था जब वो 30 वर्ष के हो गए। और अगर हम कहें कि उसके पहले उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं था, तब तो फिर वो कैसे अपने आप को शुद्ध रख सका, कैसे अपने आप को निर्दोष रख सका, कैसे अपने आप को पवित्र रख सका। वचन कहता है सिर्फ और सिर्फ सनातन आत्मा के द्वारा। उसी रीति से हमारे साथ में भी है। हमारे जीवन में भी दो घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। एक घटना जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं और पवित्र आत्मा के साथ किसी ना किसी रूप में हमारा संबंध होता है, हम उसकी सहभागिता को प्राप्त करते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:17 में इस बात को लिखा गया है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम लोगों ने बार बार अनुवाद का जिक्र किया है, इंग्लिश का अनुवाद अधिक स्पष्ट है, वो ग्रीक के ज्यादा करीब है। उसका सटीक अनुवाद यह है कि जो प्रभु की संगति में आ जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम उसके साथ उसकी संगति में आ गए, कब आ गए, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और जब हम उसकी संगति में आ गए हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, अर्थात परमेश्वर का आत्मा और हम मिलकर एक हो गए। ये तभी हुआ जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसीलिए उसकी सहायता तभी से, जब हमारे नए जन्म के समय से ही हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग उतना ही तक सीमित रहे,
क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी वो सारी बातें थी, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए जरूरी था कि एक दिन पवित्र आत्मा उस पर उतरे। उसी रीति से हमारे लिए भी जरूरी है कि हम हमारे जीवन में भी वो दूसरी घटना घटे जबकि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हम अनुभव कर सके, जिसमें योवेल नबी की भविष्यवाणी पूरी की जा सके, जिसके विषय में पत्रस ने कहा था कि आज के दिन उसने उस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। यीशु मसीह मर गए, मरे हुए से जी उठे, हम उसके गवाह हैं, और वो स्वर्ग पर चले गए और वहां से उन्होंने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया जिसको तुम देखते और सुनते हो। वो एक ऐसी घटना है जिसको देखा सुना जा सकता है, लेकिन जब पहली घटना होती है, जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उद्धारकर्ता के रूप में, जब उसका नया जन्म होता है, तो वो घटना को ना तुम आंखों से देख सकते ना कानों से सुन सकते, क्योंकि वो भीतर घटित होता है, हमारे अंदर में होता है, और इन आंखों से इन कानों से हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन जो दूसरी घटना है उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन दोनों घटनाओं से परिचित हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ पहली घटना तो घटी लेकिन दूसरी घटना के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई लालसा नहीं रखी, और जिसके वजह से उनके जीवन में वो घटना पूरी नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दोनों घटनाएं हमारे जीवन में हो। यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बन गया, उसका जीवन हमारे सामने उदाहरण है, हमारे समानांतर उसने जीवन जिया, वो सब बातों में हमारे समान बन गया, अपने भाइयों के समान बन गया। उसने नया जन्म पाया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने जन्म पाया और उसके पवित्र आत्मा की सहायता से निर्दोष भी रहा, लेकिन फिर भी उसने एक दिन का इंतजार किया जब पवित्र आत्मा उस पर आए, और जब पवित्र आत्मा उस पर आया उसके बाद से उसने जो सेवकाई की उस सेवकाई को हम सुसमाचार में लिखा हुआ पाते हैं। हमारे जीवन में दोनों घटनाएं महत्व रखती है, और जो घटना दोनों घटनाएं हैं उसके विषय में लोगों का अलग अलग मत है। संसार में बहुत सारे थियोलॉजियन हैं, बाइबल के अध्ययन करने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो जाती है। मुख्य रूप से तीन राय हैं, हम लोग धीरे धीरे करके उन पर आएंगे, और ये तीन राय इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में बातें करना बहुत कठिन है। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी सटीक कहना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम परिभाषित नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ये करेगा या वो करेगा, या पवित्र आत्मा को हम सिद्धांतों में भी बांध कर नहीं रख सकते कि पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे काम करता है। यीशु मसीह के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यीशु मसीह के लिए हम सिद्धांत पेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लेवल पर आए थे, यीशु मसीह मनुष्य के लेवल पर आए थे, हमारी समझ मनुष्य के लेवल तक है, उससे ऊपर हमारी समझ नहीं है। हम लोग सिर्फ शब्द जानते हैं, जब हम कहते हैं अनंत तो आप सिर्फ शब्द जानते हैं, आपने उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर उसको अनुभव से जानता है, उसके परे जो बातें हम सिर्फ शब्द कहते। तो यीशु मसीह मनुष्य के लेवल पर आए थे, हमारे स्तर पर आए थे, इसलिए यीशु मसीह के विषय में हम सिद्धांत सटीक पेश कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य के रूप में रहे। लेकिन पवित्र आत्मा हमसे ऊपर लेवल का है, वो तो सृष्टि करता है, वो तो सारे ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है, उसने सब कुछ को बनाया है, वो सारी सामर्थ अपने आप में रखता है, वो परमेश्वर है, वो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे कहीं अधिक उत्तम है। और उसने जब पवित्र शास्त्र लिखवाया, हम लोगों ने पढ़ा था संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, तो ये बाइबल भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। तो उसने जब लोगों को प्रेरित किया कि वे लोग लिखें, तो उसने कुछ ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया कि सारी बातों को जब हम सामने रखते हैं तो एक सिद्धांत पेश करना बहुत कठिन हो जाता है। लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हमारा कोई भी प्रयास पवित्र आत्मा को शब्दों में नहीं बांध सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा शब्दों से भी परे है। हालेलुया। इसलिए मैं जब यहां से इन बातों को शिक्षा दे रहा हूं, मुझे बहुत कठिनाई है कि मैं कैसे उन बातों को बताऊं जिनको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वचन कुछ मुख्य धारा के रूप में कुछ बातें पेश करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उन अनुभवों से होकर के चले। इसलिए मैं कुछ बातों को आपके सामने पेश करूंगा। हमने कहा हमारा नया जन्म होता है। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जिसके जूतों का बंधन खोलने के मैं योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जो नया जन्म की घटना है, पहली घटना,
और जो दूसरी घटना है, जब पवित्र आत्मा किसी पर उंडेला जाता है, दूसरी घटना। ये दोनों घटनाएं महत्वपूर्ण है। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से दोनों बातों के विषय में कहा है, लेकिन जब नए जन्म की घटना घटती है, उस घटना को बाइबल एक नाम देती है, और वो नाम है बपतिस्मा। हम लोग उस पद पर आएंगे, पहला कुरिंत और उसका 12वां अध्याय, उसके पद 13। पहला कुरिंत और उसका अध्याय 12 और उसके पद 13। हम लोग कुछ गुड़ बातों को समझ लें। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। लिखता है कि यहूदी हो या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। जब हम इसको दूसरे अनुवाद में पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश केजीबी में भी पढ़ेंगे, यह लिखता है, क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। मसीह की देह, जब तक यीशु मसीह इस धरती पर थे, उसकी अपनी एक देह थी, लेकिन इस धरती पर से जाते जाते उसने एक झुंड तैयार कर दिया था। बाद में इसे झुंड का नाम मसीह की देह कहा गया, और कहा गया कि यह देह बहुत बड़ी है, और इसका सिर यीशु है, और उसके शरीर के बाकी अंग हम लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वासी लोग उसके देह के अंग हो गए। तो यह जो देह है, तो इसमें लोग हैं, लोगों के द्वारा ये देह बनी, हम और आप उस देह के अंग हैं। लेकिन जब तक हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, तो हम लोग उस देह के अंग नहीं थे, हम लोग बाहर थे। हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम हैं अभी। एक समय था जब हम परमेश्वर के राज्य में नहीं थे। जो परमेश्वर के राज्य में नहीं होता है, उसको सुसमाचार के द्वारा बुलाया जाता है कि तुम आओ, यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ। और वे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर के राज्य में शामिल होना और मसीह की देह में शामिल होना एक ही बात है। नए नियम में, नए नियम में दोनों एक ही बात है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों को विश्वास का समाचार दिया गया, यीशु मसीह के विषय में बताया गया। हमने जब उसको सुना, तो हमने उस पर विश्वास किया। विश्वास करने वालों में यहूदी भी हो सकते हैं, यूनानी भी हो सकते हैं, दास हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते, कोई भी हो सकते हैं। उस समय तो वहां पर कोरिंथ की कलीसिया को ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, इसलिए कहा गया क्या यहूदी क्या यूनानी, क्योंकि पहले तो यहूदियों को मौका मिला और कोरिंथ के लोग यूनानी थे। आज उसको थोड़ा एक्सटेंड करके कहा जाता तो हम लोग कह सकते कि क्या भारतीय क्या पाकिस्तानी, क्या झारखंडी क्या बिहारी, क्या दास क्या स्वतंत्र, क्या पुरुष क्या स्त्री। सब लोगों ने, जिन्होंने इस रीति से यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन लोगों के लिए लिखा है कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यहां पर एक व्यक्ति का नाम है जो बपतिस्मा दे रहा है, और उस वस्तु का नाम है जिस पर बपतिस्मा दिया जा रहा है, और यहां पर कोई मनुष्य नहीं है जो किसी को बपतिस्मा दे रहा है, और जिस वस्तु में वो किसी को बपतिस्मा दे रहा है वो भी दृश्य नहीं, क्योंकि यह बपतिस्मा देने वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा। लिखता है क्या, क्योंकि हम सब ने, सब के सब, यह अनुभव सबके लिए, किसी खास खास व्यक्तियों के लिए नहीं, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यह अनुवाद हम लोगों ने दूसरा भी अनुवाद पढ़ा, बपतिस्मा लिया, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ रोल अदा किया बपतिस्मा लेने, ऐसी बात नहीं। हम लोगों ने जब इसमें पढ़ा तो उसमें लिखा बपतिस्मा पाया, मतलब कोई चीज हो गई, एक आत्मिक घटना घट गई। तो दरअसल वो आत्मिक घटना क्या घटी कि जब हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, तो उस एक ही आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने, हमको उठाकर मसीह की देह में एक जगह दे दिया, मसीह की देह में एक जगह दे दिया, और इस घटना को बपतिस्मा नाम दिया गया।
ये घटना किसी मनुष्य के कारण नहीं घटी, कोई मनुष्य ने हमको बपतिस्मा नहीं दिया था, ये घटना पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। पवित्र क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा उसी ने हमको मसीह की देह में जगह दिया। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो हम लोग पाएंगे, फॉर बाय वन स्पिरिट वी वर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। फॉर बाय वन स्पिरिट, एक ही आत्मा के द्वारा वी वर ऑल, जितने हम विश्वास करने वाले हैं सबके सब बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। नहीं लिखा है कि बैप्टाइज्ड इनटू वाटर, ये पानी बपतिस्मा की बात हुई। हम एक व्यक्ति थे जिसके अंदर एक आत्मा है, मृत अवस्था में, मृत अवस्था अर्थात परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए, हमको सुसमाचार दिया गया, हमने विश्वास किया और परमेश्वर उसको देखने वाला है। परमेश्वर देखता है कौन विश्वास करता है। जैसे उसने देखा कि हमने विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसने हमें मसीह की देह में एक स्थान दे दिया, उसकी देह में बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी, और उस देह में स्थान देने को ही नाम कह दिया गया बपतिस्मा दिया, और कहा गया और हमको एक ही आत्मा पिलाया गया। Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. तो हम सबको वो सारी चीजें दी गई, पवित्र आत्मा हम लोगों को पिलाया गया। तो हमारे जीवन की पहली घटना आत्मिक जीवन की, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमको मसीह की देह में एक दर्जा दिया गया, और उस दर्जे का नाम है बपतिस्मा। और जब वो दर्जा दिया गया तो मालूम क्या हुआ, वो सारी चीजें जो यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने में है, वो सारी सामर्थ हमारे जीवन में पूरी हुई। हम लोगों ने बहुत पहले एक वचन को सीखा था, हमने कहा था कि उसने हमें भी जिलाया, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे उसने हमें भी जिलाया और उसने हमें उसके साथ में उठाया। हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़ चुके थे, दूसरा अध्याय उसके 5 और 6 पदों में, उसने हमें भी जिलाया। तो जिलाए जाने की घटना कब हुई, ये ठीक उसी समय हुई जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको हमने ग्रहण किया, और उसी घटना का नाम है बपतिस्मा। और उस आत्मिक बपतिस्मा को बाइबल में कई जगह जिक्र किया गया है, जिसको कई बार लोग पानी के बपतिस्मा से कंफ्यूज कर लेते हैं। पानी का बपतिस्मा भी एक बात है, लेकिन जो आत्मिक बपतिस्मा है उसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसमें किसी मनुष्य ने रोल अदा नहीं किया, इसमें पवित्र आत्मा ने रोल अदा किया। पवित्र आत्मा ने आपको या आपकी आत्मा को मसीह की देह में एक स्थान दे दिया। ये है, हम लोग उस बपतिस्मा के विषय में जरा सा पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय, रोमियों की पत्री और उसके अध्याय 6, और उसके वहां पर एक सवाल उठ गया था, क्योंकि जब हम पूरे संदर्भ समेत इस बात को पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्री में लोगों को बता रहा था कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं, सारा संसार उसके सामने दंड के योग्य ठहरे, उसने साबित कर दिया था, तीसरा अध्याय उसके 19 में। फिर सवाल उठा कि छुटकारा क्या है, तो उसने बताया कि छुटकारा यीशु मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में ऐसा उपाय किया कि उसने हमारे लिए अपना बलिदान किया, उसने अपना लहू बहाया, और उस पर विश्वास करने वाले सब लोगों को वो धर्मी ठहराता है। हमें धार्मिकता के विषय में सीखा, वो सब लोगों को धर्मी ठहराता है। तो हमने धार्मिकता का दान पाया, कैसे, विश्वास के द्वारा, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए, हमने विश्वास किया तो उसके बदले में उसने हमें धर्मी गिना, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया उसके बदले परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। वो धार्मिकता हमारी आज्ञाकारिता पर भी निर्भर नहीं थी, ये नहीं कि हम आज्ञाकारी हुए थे तब धर्मी गिना, वो हम आज्ञाकारिता हम थे कि नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन हमने विश्वास किया ये महत्व रखता है, उसी की वजह से उसने धर्मी गिना, क्योंकि उसने इस बात को भी कह दिया था कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, आदम, उसी प्रकार एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, यीशु मसीह। तो उस यीशु मसीह एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से हम धर्मी ठहरते हैं, हम जो धर्मी ठहराए गए अपने आज्ञाकारिता से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से। तब सवाल वहां पैदा हो गया, लोग पूछने लगे तो क्या हम पाप करें, है ना, क्योंकि अगर हमारी धार्मिकता, हमको जो धार्मिकता दी गई है वो हमारे कामों पर आधारित नहीं है, तो फिर हम पाप कर सकते हैं, फिर भी धर्मी रहेंगे। तो वही सवाल यहां पर उठ गया था, 6वां अध्याय उसके पहला पद, तो सवाल उठ गया था, और वो सवाल है, सो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, ये सवाल था। और इसके जवाब में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, दूसरे पद से हम देखेंगे, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। उसने कहा कि हम पाप के लिए मर गए, पहले तो उसने मरने का जिक्र नहीं किया था, पहले तो उसने कहा था कि मसीह मर गया था,
परंतु उसने कहा कि मसीह का लहू बहा था, हमने तो सिर्फ विश्वास किया, अब यहां तर्क देता है पाप मत करो क्योंकि तुम तो मर गए, तो कब मरे, कैसे मरे। तो उसने आगे आगे इसके नेक्स्ट पद, क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। फिर से बपतिस्मा का जिक्र है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते कि सभी पानी के बपतिस्मा का जिक्र है क्योंकि हिंदी अनुवाद इसी प्रकार से प्रकट किया गया। लेकिन अगर आप इंग्लिश को देखें, तभी जो पहला पॉइंट 12 का 13 था, हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर बाय वन स्पिरिट वी वर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी, ठीक है, बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी। अब देखिए सेम एक्सप्रेशन यहां पे मिलेगा, और डू यू नॉट नो दैट एज मेनी ऑफ अस एज वर बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट जीसस वर बैप्टाइज्ड इनटू हिज डेथ, बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट जीसस, baptized into Christ Jesus, जो मसीह की देह है उसी को कहा जा रहा है। baptized into what? Into not water, into Christ Jesus। हम जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। अगर इसको हूबहू अनुवाद किया जाए तो ये अनुवाद होगा, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है। हमने मसीह की सदस्यता पा ली क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमको, हमने देखा था ऐसा करने वाला कौन है, एक ही आत्मा के द्वारा, क्या यूनानी क्या यहूदी, सबने मसीह की एक देह में बपतिस्मा पाया। तो ये करने वाला भी पवित्र आत्मा है, और जिसने हमें मसीह की देह में एक स्थान दे दिया, और जब हमें उसकी देह में एक स्थान दे दिया तो उसकी मृत्यु में भी स्थान दिया, उसकी मृत्यु में भी स्थान दिया। और इसीलिए हमारे लिए कहा गया कि तो हम पाप क्यों करें, क्योंकि हम तो मर चुके हैं, हम कैसे पाप कर सकते। उसी घटना को बता रहा है, और इसके ठीक बाद वाले पद को हम देखते हैं, नेक्स्ट। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इंग्लिश में देखिए, देयरफॉर वी वर बैरीड विद हिम, ये किंग जेम्स वर्जन को डिस्प्ले कीजिएगा, ये न्यू किंग जेम्स वर्जन, इसमें एडिट कर दिया गया है, किंग जेम्स वर्जन को डिस्प्ले कीजिएगा। यहां पर एक शब्द है जो उसमें अंतर हो जाएगा, देयरफॉर वी वर बरीड, वी वर लिखा है, वहां पर किंग जेम्स में आपको लिखा मिलेगा वी आर, किंग जेम्स वर्जन। नहीं, किंग जेम्स वर्जन डिस्प्ले कीजिए, केजेवी ऊपर केजीबी है, लिखा है देयरफॉर वी आर बैरीड विद हिम बाय बैप्टिज्म इनटू डेथ। वी आर बैरीड मतलब हम उसके साथ गाड़ दिए गए हैं, मतलब ये जो गाड़े जाने की स्थिति है ये अभी भी है। ये जो आत्मा ने बपतिस्मा दिया इसमें जो गाड़ा जाना है ये थोड़ी देर का गाड़ा जाना नहीं है। बाद में लोगों ने इसको पानी बपतिस्मा से कंफ्यूज किया, तो फिर उसको कहा कि अगर हम वहां पर आर लिखते हैं तब तो हमेशा का गाड़ा जाना है, पानी में तो हमेशा के गाड़े जाने की बात नहीं, तो इसलिए उसको वी वेर एडिट कर दिया और नीचे लिख दिया न्यू किंग जेम्स वर्जन। और किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद किया गया था 1611 ईस्वी में, न्यू किंग जेम्स वर्जन अभी कुछ साल पहले एडिट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन वही है, therefore we are buried with him। So उसके साथ गाड़े हुए हैं, उसके साथ गाड़े हुए रहने की स्थिति कैसे आ सकती है, कोई शारीरिक घटना के द्वारा नहीं आ सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। उसी को कहा गया हम उसके साथ गाड़े हुए अवस्था में हैं, यीशु मसीह के साथ। हम अर्थात कौन, हमारा पुराना मनुष्यत्व। इस पूरे वृतांत को हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा 3, 4, 5, आज के 6 को हम पढ़ेंगे, तो 6 में लिखा है हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर मर गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, ठीक है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। यहां पर लिखा हम जानते हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। ये जो मरने की प्रक्रिया है जिसमें उत्तर दे रहा था पौलुस, वो कह रहा था हम पाप करें क्योंकि अनुग्रह बहुत, तो उसने कहा हम कैसे पाप करें, हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इस मरने के विषय में लिखा है, वो मरना कैसे हुआ, वो मरना थोड़ी देर सांस बंद करके रहने की बात नहीं,
वो क्रूस पर की मृत्यु थी, पद 6 के मुताबिक। हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, मर गया। अब कोई भी बपतिस्मा की विधि के विषय में बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन जो भी विधि आप ले लीजिए उसमें किसी विधि में ये चीज नहीं होगा कि जब उसको बपतिस्मा दिया गया तो कहीं से लगे कि वो क्रूस पर मरा। ठीक है, बाकी बातें भले दिख जाएंगे कि हाँ शायद इसको ये कहते होंगे, लेकिन हमारा पुराना मनुष्य तो क्रूस पर मर गया, वो मरना किसी विधि में नहीं दिखाई देगा क्योंकि विधि से दिखाना उसको पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो घटना या उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में फिर भी काम करती, कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे लिए एक सामर्थ्य में बदल दिया व्यक्तिगत रूप से। उसी को कहा गया बैप्टाइज्ड इनटू हिज डेथ, उसकी मृत्यु में हमने बपतिस्मा पाया, हमने उसके साथ पुनरुत्थान पाया, हम उसके साथ जी उठे। उसी बात को यहां पर कह रहा था। हम लोग एक दूसरा पद निकाल कर देखेंगे, कुलुसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद 11 और 12। कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 और उसके पद 11 और 12 यहां पर लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। लिखा है कि उसी में तुम्हारा एक खतना भी हुआ। जितने भी मसीह होते हैं पहली शताब्दी से उनके लिए खतने की विधि रोक दी गई। एक समय विवाद हो रहा था, चलो यहूदी समुदाय से आए थे, उनको लग रहा था कि जो अन्य जातियों से आ रहे उनका खतना होना चाहिए। बहुत वाद विवाद हुआ, अंत में खतना नहीं होगा ये निष्कर्ष निकाला गया, खतना रोक दिया गया शारीरिक रूप से खतना। लेकिन फिर भी जिसने उसके विरुद्ध में लिखा कि खतना नहीं होना चाहिए शारीरिक खतना, उसे पौलुस ने यहां पर लिखा कि तुम्हारा खतना हुआ है। मतलब वो एक ऐसे खतने की बात कर रहा है जो शारीरिक नहीं है, जो हाथ से नहीं होता। तो हमारा खतना हुआ, हम सारे लोग चाहे पुरुष चाहे स्त्री, हमारा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। पुराने नियम में जो खतना होता था उसमें भी शरीर का एक हिस्सा उतार दिया जाता था, और यहां पर शारीरिक देह ही उतार दी जा रही है, पूरा पुराना मनुष्यत्व ही उतार दिया गया। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसने उस सामर्थ का हमारे लिए रिलीज किया। और यह हाथ से नहीं होता, हाथ से करे उससे कोई फायदा नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, उसका पुराना मनुष्य तो उसके साथ रहेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा ने किया उसमें पुराना मनुष्य तो उतार दिया गया। और उसी चीज को जब हम लोग केजेवी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो लिखता है कि और उसी के साथ, मतलब जो खतना हाथ से नहीं हुआ उसी के साथ ये घटना घटी। मतलब जो यहां पर लिखा गया है वो भी हाथ से नहीं घटी, क्योंकि हमारे लिए कोई शारीरिक खतना नहीं हुआ, किसी ने हाथ से उसको नहीं किया। तो हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, अर्थात वो बपतिस्मा जो किसी के हाथ से नहीं होता उसी में हम उसके साथ गाड़ भी दिए गए। और लिखता है, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। जी उठे कैसे? विश्वास के द्वारा। तो हमने सिर्फ एक काम किया, जो बातें यहां पर हैं आप उसको खुद से पढ़कर देखें, इंग्लिश में पढ़कर देखें, लेकिन मैं आपको उसका अर्थ थोड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। पहली घटना जो हमारे जीवन की है, जब हमने नया जन्म पाया, तो नया जन्म पाना कोई साधारण बात नहीं। उसके पहले हम लोग परमेश्वर के परिवार के सदस्य नहीं थे, और तब सुसमाचार आया, हमने उस पर विश्वास किया। हमको सुसमाचार दिया गया तो क्या बताया गया? यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी भी उठा। और ये समाचार हम तक आया तो हमने इस पर विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि वो मेरे पापों के लिए मर गए, वो मेरे लिए गाड़ दिया गया, वो मेरे लिए जी करके भी उठा। और जैसे ही हमने इस बात पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने उस बात को हमारे जीवन में एक सत्य बना दिया। अर्थात आत्मिक रूप से भीतर से हम लोग वैसे लोग हो गए जो यीशु के साथ मर चुके हैं, जो यीशु मसीह के साथ गाड़े हुए अवस्था में हैं, और जो यीशु मसीह के साथ जिलाए गए अवस्था में। हालेलुया, हम उसके साथ उस स्थान पर पहुंच गए। यीशु मसीह ने उसको शारीरिक रूप में पूरा किया, मर जाना,
गाड़ा जाना और जी उठना शारीरिक रूप में पूरा किया। हमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने उस घटना को हमारे आत्मा से जोड़ दिया कि हम भी उसके साथ मर गए, पापों के लिए मर गए, हम भी उसके साथ गाड़ दिया गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया गया और हम भी उसके साथ जी उठे, नए मनुष्यत्व के साथ हम जी उठे। और ये जो घटना घटी, इस घटना का नाम बपतिस्मा रखा गया। इसी बपतिस्मे के विषय में हम लोग एक और जगह पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय और पद 27, गलाती अध्याय 3 और उसके पद 27, यहां पर लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर एज मेनी ऑफ यू एज हैव बीन बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट हैव पुट ऑन क्राइस्ट। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। पहले हम मसीह में नहीं थे, पवित्र आत्मा ने हमें मसीह की देह में डाल दिया तो हमने मसीह को पहन लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब हमें मसीह की देह में डाला तो बकायदा हमें मृत्यु से, गाड़े जाने से, पुनरुत्थान से गुजारा, तब जाके देह में जगह मिली है। तो हम उस देह में हैं तो हमने मसीह को पहन लिया, क्योंकि हम मसीह में डुबा दिए गए, हम मसीह में रख दिए गए, मसीह हमारे चारों तरफ है। ये पानी की बात नहीं है, ये आत्मिक बपतिस्मा है जिससे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, हम लोग गुजरते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब मैं आता हूं पानी के बपतिस्मा पर, क्योंकि लोग पानी के बपतिस्मा के विषय में ज्यादा बात करते हैं। पानी का बपतिस्मा क्या है? पहले हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 और पद 7 निकालिए, हम लोग जरा सा उसको पढ़े, क्यों उसकी जरूरत पड़ी हम लोग जरा उसको देखें। पहला शमूएल अध्याय 16 और उसके पद 7 डिस्प्ले कीजिए, पहला शमूएल अध्याय 16 और उसके पद 7। यहां पर शमूएल को परमेश्वर ने भेजा कि जाकर दाऊद का अभिषेक करे, लेकिन दाऊद उस समय तक वहां पर नहीं आया था, दाऊद के भाई वहां पर थे, एलियाब थे, उसके दूसरे भाई थे। शमूएल देखकर सोचने लगा शायद यही राजा बनेगा, क्योंकि डील डॉल में हट्टे कट्टे में बड़ा है। तो परमेश्वर ने शमूएल को रोक दिया और क्या कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि नहीं करता हूं ये तो मेरे मन की बात है, और यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसलिए जैसे ही हमने विश्वास किया, बाहर के लोगों को पता चला कि नहीं पता चला उससे मतलब नहीं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हम विश्वास करेंगे तो इंडिकेशन के रूप में मुस्कुराएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसका चिन्ह मुस्कुराना है, यानी या विश्वास करेगा तो उसके बाल खड़े हो जाएंगे, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं। वो आप मन में विश्वास करते, बाहर से पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहोवा तो मन को देखता है, उसने मन को देखा, उसने मन को देखा कि आपने यीशु पर विश्वास किया, उसने आपके लिए एक घटना पूरी कर दी जिसको आत्मिक रूप से हम बपतिस्मा का नाम दे रहे। परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर से देखना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने यह प्रावधान कर दिया कि जो कुछ मैंने आत्मिक रूप से पूरा कर दिया तुम उसको मनुष्यों के सामने भी दिखा दो, क्योंकि वो बाहर का रूप देख सकते हैं, अंदर देखने की योग्यता उनमें नहीं, इसलिए बाहर का रूप उनको दिखा दिया जाए। तो उसी को पानी के बपतिस्मे के रूप में उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आत्मिक रूप से मेरे साथ हुआ है शारीरिक रूप से हम तुमको दिखा रहे हैं, मेरा तो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ में जुड़ा हो चुका है, परमेश्वर ने मुझे अपने परिवार में ग्रहण कर लिया, लेकिन तुम लोग भी अपने ग्रुप में मुझे ग्रहण कर लो। अब तुम लोग तो बाहर का रूप देखोगे, है ना, मनुष्य हमेशा बाहर का रूप देखते हैं, आज भी लोग आपके विषय में सवाल करेंगे बाहर के रूप को देखकर, ठीक है, लेकिन जो आत्मिक रूप से घटना घटी है उसको समझना जरूरी है, और वही असल बात है, वही असलियत है हमारे नए जन्म की। उस घटना को नाम दिया गया बपतिस्मा। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसने नया जन्म पाने में हमारी मदद की, जिसने यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़ जाने, उसके जी उठने को अनुभव करने में हमारी मदद की। हम आत्मिक रूप से जब से हम नया जन्म पाए उसी समय से मरे हुए में से जी उठे हुए लोग बन गए हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है, संसार के बाकी लोगों को यह अनुभव नहीं मिला, क्योंकि वे लोग मरे हुए में से नहीं जी उठे,
अगर बिना मसीह के मर जाएंगे तो ऐसे भी नहीं जी उठेंगे, अगर उठेंगे भी तो आपकी झील में चले जाएंगे। पर हमारे लिए हम लोग समय से पहले चल रहे हैं। एक समय होगा जब यीशु मसीह आएगा, पुनरुत्थान होगा, उस समय शरीर जी के उठेंगे। लेकिन शरीर जी को कब उठे पता नहीं, उसके पहले ही उसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं। हम पहले ही उसके साथ मरे हुए में से जी उठे। फिर तब तक यीशु मसीह नहीं आया, शारीरिक रूप से मर भी गया तो शरीर को भी उठाया जाएगा, जिलाया जाएगा, फिर हम उसके साथ हमेशा हमेशा रहे। तो जो बाद में हम लाभ ले सकते थे उस लाभ को हम अभी ही ले रहे हैं। हमारा जो जीवन है मसीही जीवन या आत्मिक जीवन, वो समय से पहले का जीवन है। जो लोग बाद में जीते हैं हम उसको पहले जी रहे हैं। हमारे लिए कहा गया हम स्वर्ग स्थान में बैठाए गए, लोग बाद में स्वर्ग जाते हैं, हम पहले पहुंच गए। तो हम स्वर्ग जाने के लाभ से नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग को यहीं पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हालेलुया। ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वो पहली घटना। अब दूसरी घटना, दूसरी घटना जो हमारे समानांतर यीशु मसीह के समानांतर हम देख रहे हैं अपने जीवन में, और वो ये है कि यीशु मसीह के ऊपर यर्दन के नदी में पवित्र आत्मा उतरा। अब परमेश्वर चाहता है कि ये दूसरी घटना भी हम लोग अपने जीवन में अनुभव करें, और इसको हम लोग वचन में लिखा हुआ पाएंगे। हम लोग प्रेतों के काम की पुस्तक में जाएं, और उसके दूसरे अध्याय में हम लोग उस घटना को पाते हैं जब उन पर उंडे ले जाने की घटना पूरी हुई। दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ पर लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी झनझनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर अठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पिंतेकुस्त का दिन आया, लेकिन ये जो चेले लोग थे ये पिंतेकुस्त मनाने के लिए नहीं गए, क्योंकि पिंतेकुस्त मनाने वाले तो मंदिर में थे। ठीक है, मनाने के लिए मंदिर गए, ये लोग अपने घर में बैठे हुए थे प्रार्थना कर रहे थे। तब एकाएक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, वो सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और हर एक पर अठहरी। और जब अठहरी तो वचन कहता है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, और वे ऐसी भाषा बोलने लगे जो वे पहले जानते नहीं थे। पवित्र आत्मा ने जैसा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये उंडे ले जाने की घटना प्रेरितों के जीवन में पूरी हुई, और इसके विषय में पत्रस ने उपदेश देते हुए कहा पद 16 से, परंतु यह वह बात है जो युवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडे लूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडे लूंगा। ये उंडे ले जाने की घटना उनके जीवन में, और ये उंडे ले जाने की घटना हमने पिछली बार जिक्र कर रहे थे कई लोगों के जीवन में घटी। हम लोग इसको कुर्नेलियुस के घर में जाकर देखते हैं। जब उंडे ले जाने की घटना घटती है, मैंने पहले कह दिया पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी सटीक एग्जैक्टली ऐसा ही है कह देना बहुत कठिन, लेकिन आमतौर पर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब उंडेले जाने की घटना घटती है तो क्या होता है। ये घटना जब घटती है तो ये ऐसी घटना है जिसको कोई देख या सुन सकता है, क्योंकि पत्रस यहां से आगे लोगों को प्रचार करके कहता है पद 32 और 33 में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। जो पिंतेकुस्त के दिन में घटना घटी उसके विषय में लोगों से करे जिसको तुम देखते और सुनते हो। तो आमतौर पर जो घटना होती है जो हमारे साथ होता है वो ये है कि जब वो अपने आत्मा को हम पर उंडेल देता है तो हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं। बाइबल में जब भी ये उंडेले जाने की घटना का जिक्र है उसके साथ में अन्य भाषा जुड़ी हुई है। अब ये अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम पहले से नहीं जानते, मैं उसके विषय में बाद में डिटेल से बताऊं, लेकिन फिलहाल के लिए आप जानें, अन्य भाषा ऐसी भाषा है जिसको हम पहले से नहीं जानते।
जो भाषाएं आप जानते हैं, जैसे हिंदी, या हो सकता है आप इंग्लिश जानते हैं, या हो सकता है झारखंड में रहते हैं इसलिए कोई रीजनल भाषा जानते हैं, उसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं दुनिया में आप जो नहीं जानते, वो बाकी भाषाएं आपके लिए अन्य भाषाएं। जैसे कन्नड़ आप नहीं जानते तो कन्नड़ आपके लिए अन्य भाषा है, लेकिन जो कन्नड़ जानता है उसके लिए कन्नड़ अन्य भाषा नहीं, वो उसके लिए अपनी भाषा है। उसी प्रकार चाइनीज हमारे लिए अन्य भाषा है, हम उसको नहीं जानते, लेकिन जो चाइना के हैं उन लोगों के लिए वो कॉमन भाषा, हम जानते हैं उसका, उनके लिए, उनके लिए हिंदी अन्य भाषा हो जाएगी क्योंकि हिंदी नहीं जानते। अब ताज्जुब की बात यह है कि हम जिस भाषा को नहीं जानते उस भाषा को बोलते हैं, है ना अद्भुत, जिस भाषा को हम नहीं जानते उस भाषा को बोलते हैं, क्योंकि जिस भाषा को हम जानते हैं आमतौर पर हम उसी भाषा को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह हमारे लिए उपाय किया है कि जिस भाषा को हम नहीं जानते उस भाषा को हम बोले। एक बार की घटना है, जब लोग बेबीलोन का गुम्मट बना रहे थे, बाबेल का गुम्मट, बाबेल की मीनार, और वहां पर उनकी भाषा एक ही थी, बाइबल कहती है उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में, उनकी भाषा एक ही थी, एक मन एक चित होकर वे काम कर रहे थे। परमेश्वर ने तो कहा था कि फूलों फलों पृथ्वी भर जा, तो लोग बोले कि हम लोग पृथ्वी में नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे, एक के ऊपर एक घर बना के यही रहेंगे, हम लोग जाएंगे, एक ही भाषा थी। तो परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, और वे तरह तरह की भाषाएं बोलने लगे, कोई ये भाषा कोई वो भाषा, कोई एक दूसरे की नहीं समझा, झगड़ा हो गया, फिर वहां से वे लोग चले गए, संसार में भर गए, भाषाओं का जन्म हो गया, कई भाषाएं जन्म ले ली। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने ये उपाय किया कि वो हम सब लोगों को एक भाषा के द्वारा एक करे, ठीक है, ऐसी भाषा बोलने के द्वारा एक करे जिसको हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, दूसरे भी नहीं जानते, ठीक है। उसने उसके लिए बाकायदा भविष्यवाणी भी करवाया, सपन्या की पुस्तक और उसके 3रे अध्याय, सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसके 3रे अध्याय उसके 9, वहां पर ऐसा लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, और जिसके वजह से क्या होगा, वे सब के सब प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। पहली बात तो जब उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी गई तो उनको अलग कर दिया गया, अपने मकसद के लिए परमेश्वर ने अलग कर दिया, भाषा के द्वारा अलग कर दिया। अब वो हमको एक मन एक चित कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है, वो भी भाषा के द्वारा ही कर रहा है कि ऐसा समय आएगा जब मैं देश, ये तो पिंतेकोस्त से पहले की भविष्यवाणी, ऐसा समय आएगा मैं देश देश के लोगों से नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा, और जितने बोलने वाले होंगे वे लोग एक हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि हाँ अभी तो जब तक एक नहीं होता हम लोग कहते तुम तो फलाना चर्च के हो, हम तो फलाना चर्च के हैं, तो हम फलाने समुदाय से आते, फलाने समुदाय से आते, एक दीवार बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, जबकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लोग एक किए जाए। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, जैसे मैं और पिता तू एक है वैसे मैं भी एक हूँ। अब ये एक किया जाना किस बात के द्वारा होगा, कि परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेले, सब अन्य भाषा में बोले और हम इस रूप में देखे, हाँ तुम भी बोलते हो अन्य भाषा, हम भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस चर्च से आते हम किस चर्च से। हालांकि चर्च करना सब ठीक नहीं है, तुम किस डिनोमिनेशन से आते हो मैं किस डिनोमिनेशन से आता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर ने हमें एक किया है। इस प्रकार हम एक मन एक चित होने को अनुभव करने पाए। तो यही घटना पेंतिकोस्ट के दिन में घटी, जब उन पर आत्मा उंडेल दिया गया और वे लिखता है पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा उन्होंने जैसा बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, वे बोलने लगे ऐसी भाषा बोलने लगे जिसको वे नहीं जानते। इसका मतलब यह था कि वे जीभ से बोल तो रहे थे लेकिन उनका मन नहीं जानता था कि वे क्या बोल रहे। लेकिन जो घटना है वहां उस दिन की, उसमें लिखा है कि वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहूदी इकट्ठे थे, उन्होंने शब्द सुना तो भीड़ लग गई, वे लोग आकर के उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि लोग कैसे हमारी भाषा बोल रहे, क्योंकि वहां जो यहूदी लोग थे प्रेरितों के काम की पुस्तक में वहां पर लिखा है 2रा अध्याय जहां हम लोग पढ़ रहे थे कि वे दुनिया के अलग अलग छोर से आए हुए थे, क्योंकि यहूदी लोग एक समय था जो संसार में बिखर गए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले फसा का पर्व हुआ था, अभी पेंतिकोस्ट का पर्व था, तो इन पर्वों को मनाने के लिए वे दुनिया के अलग अलग छोर से इकट्ठे थे। तब इसलिए कि दूसरे छोर में रहते तो वहां की भाषा भी जानते थे,
तो वे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जब वे सुनने लगे तो उनको लगा ये तो मेरी वहां की भाषा में बोल रहा है, ये तो हमारे तरफ की भाषा में बोल रहा है और वो तो हमारे तरफ की भाषा में बोल रहा है। यहां पर हम इसको पढ़ करके देख सकते हैं, पद पांच से देखिए, दूसरा अध्याय पद पांच, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं और इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। गिन के देखिए कम से कम 15 अलग अलग जगह के लोग हैं और ये लोग कह रहे कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, ये पार्थी बोल रहे हैं, मेदी बोल रहे हैं, एलामी बोल रहे हैं, कैसे ये लोग बोल सकते हैं? और प्रेरित लोग अपने अपनी बुद्धि से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन जो उनको बुलवा रहा था वो उनकी भाषा में उनको बुलवा रहा था। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तब ऐसी भाषा बोलते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन अगर उस भाषा को समझने वाला कोई व्यक्ति वहां मौजूद है तो समझ सकता है। जैसे मान लिया अभी पवित्र आत्मा से भरकर मैं कन्नड़ में बोलने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप कन्नड़ नहीं जानते, लेकिन जो कन्नड़ भाषा समझता है वो व्यक्ति जान जाएगा कि कन्नड़ में बोल रहा है। दूसरी प्रकार यहां पर प्रेरितों को मालूम नहीं था कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाले थे उनको मालूम हो गया हमारी भाषा बोल रहे हैं। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो ये सिर्फ मनुष्यों की भाषा नहीं होती, बाइबल कहती है कि ये मनुष्यों की बोलियां भी हो सकती है, ये स्वर्ग दूतों की बोलियां भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग पहला कुरिन्थ अध्याय 13 में इस बात को पढ़ते हैं। उसने प्रेरित पौलुस ने इस बात को कहा था कि यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, तो उसने अन्य भाषा की चर्चा की थी और उसमें लिखा है 13 उसके 1 में पहला कुरिन्थ, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं। इसका मतलब वो अन्य भाषा से तुलना कर, हम मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं, स्वर्ग दूतों की भाषा बोल सकते हैं, मतलब ऐसे भी भाषा बोल सकते हैं जो कोई मनुष्य नहीं समझता, लेकिन स्वर्गदूत बोलते हैं। अब स्वर्गदूत किस भाषा में बात करते हैं हमको क्या पता, स्वर्गदूत आके हमसे हिंदी में बात करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में हिंदी बोलते हैं, तब तो अगर परमेश्वर उनको रूस भेज देगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, वो अपनी भाषा बोलते होंगे। आप कौन सी भाषा हम नहीं जानते, संसार की भाषाओं का लिस्ट हमारे पास है, उनकी भाषा का लिस्ट नहीं। जैसे संसार के सारे लोग भी इकट्ठे हो जाएं और कोई अन्य भाषा में बोलने लगे तो कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति समझ ही जाए, हो सकता है वो स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहा है। लेकिन ये घटना उस दिन पूरी हुई, पवित्र आत्मा उन पर उंडेल गया और उनकी जुबान बोलने लगी, वे बोलने लगे लेकिन कुछ ऐसी बातें बोलने लगी जो वे नहीं जानते थे और वे उस भाषा के शब्द थे जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी और जिसको सुनने वाले समझ रहे थे ये परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने समझा कि ये लोगों ने शराब पी लिया है ना, शराब पी के तो हमारे यहाँ भी लोग इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने शराब पी लिया और हमारी जगह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन पतरस ने कहा कि ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने कोई शराब नहीं पी है, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, दिन के शुरू में कौन शराब पीता है, शाम को लोग पीते होंगे, लेकिन हम लोगों ने कोई शराब नहीं पी है, लेकिन पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया गया जिसको हम इस रूप में कह रहे हैं। हम लोग प्रेतों के काम में आगे जाएंगे, 10वां अध्याय कुरनेलियुस के घर, मैंने जिक्र किया था हम जाएंगे कुरनेलियुस के घर में, 10वां अध्याय देखिए, पतरस को बुलाया गया था और ये जो पतरस है वहां पर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, क्योंकि कुरनेलियुस के घर आने वाले अन्य जातियों में से थे और जब अन्य जातियों में से थे तो वे परमेश्वर का भय मानते थे लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ था, दान भी देते थे लेकिन उद्धार नहीं हुआ था क्योंकि यीशु पर विश्वास नहीं किए थे। और यीशु का सुसमाचार सिर्फ मनुष्य ही सुनाते हैं, स्वर्गदूतों को भी ये मौका नहीं दिया जाता, इसलिए स्वर्गदूत को भेजा गया कुरनेलियुस के घर, बोला गया कि स्वर्गदूत बोला कुरनेलियुस को जाके पतरस को बुलवा ले, पतरस जो बोलेगा उसको सुनना,
स्वर्गदूत चाहता तो खुद भी सुसमाचार सुना देता, लेकिन नहीं, स्वर्गदूत को परमिशन नहीं है, इतना परमिशन नहीं कि पत्रस को बुलवा के सुनो। और पत्रस आ गया, पत्रस गया तो देखा अन्य जातियों का घर है, लेकिन उसको भी कन्विंस किया गया था कि वहां जाओ। फिर जब वहां गया उसने देखा कि झुंड बैठा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से मुझसे बातचीत की, परमेश्वर ने किस रीति से मुझसे बातचीत की, सब परमेश्वर ने अरेंज किया है, मुझे इनको सुसमाचार सुनाना ही चाहिए। फिर उसने सुसमाचार सुनाया, उसने बताया किस रीति से यीशु नासरी मर गया और वो मरे हुए से जी उठा और वो उठा लिया गया, हम उसके गवाह हैं। जो उस पर विश्वास करता है उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। जैसे ही वो ये बातें कह रहा था, घर वाले तो सब तैयार ही थे ना, तुरंत उन्होंने विश्वास कर लिया मन में। और जैसे ही विश्वास कर लिया, पत्रस को तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन पवित्र आत्मा को दिखाई पड़ गया, परमेश्वर को दिखाई पड़ गया, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है। यहोवा ने उनके मन को देख लिया कि इन्होंने विश्वास कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, पद 44 देखिए, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितना खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। चकित हो गए अन्य जात, जो खतना किए विश्वासी अर्थात जो यहूदी लोग साथ में आए थे, वे चकित हो गए कि कैसे ये लोग बोल सकते। हालांकि वे चकित हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आत्मा का दान उड़ेला गया। क्या देखा, कैसे देखा, कैसे जाना कि उन पर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि पद लिखता है 46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहूदी लोग जो पत्रस के साथ में गए हुए थे, उन्होंने देखा पत्रस प्रचार कर ही रहा था कि उन पर उतर आया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, चकित होकर कैसे इन पर भी आत्मा का दान उंडेला गया। तो उन पर जब दान उंडेला गया वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये उंडेलने की घटना है। और मैं इस बात को कह रहा था, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, उसने देख लिया और डाल दिया, ठीक है। बाद में उनको पाने की बपतिस्मा दिया, अब पत्रस ने अपने ग्रुप में भी शामिल किया, ठीक है, हमारे तरफ भी अलाउड है। जब परमेश्वर ने तुमको अलाउ कर दिया तो मैं कौन होता हूं कि रोकूं, चलो हमारे तरफ भी। फिर उनको पानी का बपतिस्मा दे दिया। और इसी घटना को बाद में वो कुछ लोगों के सामने सफाई दे रहा था। जब पत्रस वहां से लौट गया तो जो दूसरे लोग थे यरूशलेम में, अधिकारी लोग, चर्च के अधिकारी है ना, वो लोग थे तो रूढ़िवादी, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता था कि अन्य जातियों को भी शामिल करना है, रूढ़िवादी हर युग में रहे। तो उन्होंने पत्रस को आते ही उसके साथ सवाल जवाब करना शुरू किया कि तू यहूदी होकर अन्य जातियों के घर में गया, वहां जाके खाया पिया, ऐसा अधर्म का काम? क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब सेवकाई करवा रहे थे तो उसने जब उनको दो दो करके भेजा था तो उनको कहा था कि सिर्फ यहूदियों के पास जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना। जाते जाते भी पूरा क्लियर नहीं बोला था, लेकिन उसने इस बात को कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सब बातें बताएगा, ऐसी बातें बताएगा जिनको तुम अभी नहीं सह सकते। उनको बताया, पत्रस को बताया, तो पत्रस चला गया अन्य जातियों के घर, वहां उनके लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा भी उतर आया उनके घर में, आखिर तो खाया पिया होगा, लौट आया तो दूसरे सवाल जवाब कर रहे। तो पत्रस की जिम्मेदारी बन गई कि आप उनके मन में जो दुविधा है उसको दूर करें। पत्रस सफाई देने लगा, उसने बताना शुरू किया कि शुरुआत से क्या क्या घटना घटी, किस प्रकार मुझे दर्शन दिया गया, किस प्रकार कुर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत आया, और जब मैं गया तो कौन सी घटनाएं घटी, उनको उसने बताया। और जो बताया उसको हम यहां पर पढ़ते हैं, 11वां अध्याय देखिए, पद 12 से देखिए, लिखते हैं, तब आत्मा ने, पत्रस कह रहा है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले, और वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था, हमने अन्य भाषा में बातें की, उसी रीति से उन पर उतरा। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया
जो हमें भी मिला था यीशु मसीह पर विश्वास करने से। सो इस बात के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि मुझ पर उंडेला जाए या आप पर उंडेला जाए? उसका एक ही क्वालिफिकेशन है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इस बात के लिए वेल क्वालिफाइड हैं कि पवित्र आत्मा का दान हम पर उंडेला जाए। यदि उंडेल दिया गया है आपके ऊपर में, तो आप आशीषित व्यक्ति हैं, आपने उस व्यक्ति उस घटना को अनुभव किया। यदि अभी तक आपके जीवन में वो अनुभव नहीं आया है, तो आपको इस बात के लिए लालसा करनी चाहिए। मैं अभी और कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि यदि आपके जीवन में वो अनुभव नहीं है, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप वो अनुभव लें, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा वो निर्दोष रहा, लेकिन फिर भी उसने यरदन में इंतजार किया कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आए। तो हम लोग साधारण लोगों में से आते हैं, हम लोग स्वर्ग से नहीं आए थे, हम लोग तो धरती के थे जिनको परमेश्वर का संतान बना दिया गया। अब हम लोगों के लिए भी ठहरा दिया गया है कि हम लोग उस बात के लिए लालसा करें, उस बात के लिए प्रार्थना करें, उस बात के लिए धुन रखें जो परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है, जो दूसरी घटना हमारे लिए ठहराई गई, ताकि हम उससे वंचित ना रहें। क्योंकि वो जो बात है जो उसके उंडेले जाने में है, वो हमारे सारे बंधन को तोड़ देती है। जो नए जन्म के साथ है वो ये है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, भीतर से हम एक आत्मा है, हमारा प्राण हमारा शरीर हम पर हावी रहता है। लेकिन ये जो उंडेले जाने की बात है, ये तो मानो ऊपर से उंडेले जाने की बात है, और ये उंडेले जाने की बात में हमारा शरीर भी शामिल हो जाता है, हमारा मन भी उसमें सहमति देता है, आत्मा में तो हम एक है। तो हमारा शरीर हमारा प्राण हमारी आत्मा सब कुछ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रेतों के विषय में लिखा कि पवित्र आत्मा पर उतर आए, आपकी जीवी फटती दिखाई दे, एक एक परा ठहरी, वे पवित्र आत्मा से भर गए। भर गए मतलब पूरी रीति से भर गए ना, शरीर प्राण आत्मा सब में भर गए। तो परमेश्वर चाहता है कि ये संपूर्णता, ये परिपूर्णता, ये भरा जाना हमें से एक एक जन का अनुभव रहने पाए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम भीतर में उस सोते को लेकर रहते हैं, हम लोग उतने से संतुष्ट नहीं, हम उतना चाहते कि जीवन के जल की नदियां बह निकलने पाए। हम सिर्फ उसके साथ एक आत्मा हो गए हैं, उतना तक हम संतुष्ट नहीं रहना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उस आत्मा की संपूर्णता में हम परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। मैंने कहा था कि आमतौर पर जो घटना घटती है वो ये है कि जब वो आप पर उंडेला जाएगा, आप अन्य भाषा में बातें करें। बाइबल एक और दूसरी घटना के विषय में बताती है, दूसरा हिंट देती है जो उस समय हो सकती है, और वो हमको प्रेतों के काम की पुस्तक अध्याय 19 में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि कोई लकीर खींचना पवित्र आत्मा के लिए सटीक शब्दों में कह देना बहुत कठिन है। प्रेतों के काम अध्याय 19 और उसके पद 6 से देखिए, यहां लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यहां पर एक और शब्द आ गया भिन्न भिन्न भाषा बोलने के अलावा, और वह भविष्यवाणी करने लगे। पुराने समय में जब पवित्र आत्मा किसी पर आता था, आमतौर पर नबियों पर, तो वे भविष्यवाणी ही करते थे। आपको लिखा हुआ मिलेगा नबुवत करने लगे। जैसे शाऊल पर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो वो नबुवत करने लगे। उसको कहा गया था कि तुम पर तेल डालकर अभिषेक कर दिया गया, तुम जाओ यहां से। जाते जाते जब तुम उस पहाड़ के पास से गुजरोगे, नबियों का एक दल उतरता हुआ मिलेगा, वे लोग नबुवत करते हुए उतरते हुए मिलेंगे, और तुम पर भी पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, तुम भी नबुवत करने लगो। नबुवत करने अर्थात भविष्यवाणी करने लगो। भविष्यवाणी अर्थात जिस भाषा को हम जानते हैं उसी भाषा में हम बोलते हैं, और अगर उस भाषा में बोलते हैं तो उसको समझते भी, अन्य भाषा में बोलते थे उसको नहीं भी समझते, जब तक कि अनुवाद का वरदान हमको न दिया जाए। तो यहाँ पर ये लोग भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। तो यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिन पर आत्मा का दान उंडेला गया, तो उन्होंने अन्य भाषा में भी बातें की, और हो सकता है कोई कोई ऐसे भी थे जो भविष्यवाणी करने लगे। तो हम स्ट्रिक्टली बांध के नहीं बता सकते कि ऐसे ही होता है, लेकिन आमतौर पर जो ज्यादातर घटनाएं हैं वो यही है कि जब उसका दान उंडेला जाता है तो हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं। तो हमको इस अन्य भाषा में बोलने के लिए चाहत रखनी चाहिए, हमको उस दान को रिसीव करने के लिए चाहत रखनी चाहिए, हम लोग उस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। यशायाह की पुस्तक में इस बात को बताया गया कि किस पर परमेश्वर इस रीति से अपना दान उंडेलता है।
यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 और उसके पद 3 से देखिए। यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 और उसका 3 पद, वहां पर परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी करके, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष ले लूंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर ने अपनी रीति से हम लोगों को क्वालिफाई कर दिया अगर हमने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन अगर फिर भी तब तक हमारा अनुभव नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, और वो ये है कि हम उस प्यास को प्रकट कर सकते परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं उस अनुभव को पाने के लिए प्यासा हूं, उस अनुभव को पाने के लिए मैं प्यासी हूं, और उस प्यास को प्रकट करने के लिए, उस प्यास को बरकरार रखने के लिए हम जो करना चाहे हम कर सकते हैं, क्योंकि उसने वादा किया मैं प्यासी भूमि पर जल सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। किस प्रकार के जल और किस प्रकार की धाराओं के विषय में बातें कर रहा है? मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष वो आशीष उंडेलने के विषय में भी बात कर रहा है और अपनी आत्मा उंडेलने के विषय में भी बात कर रहा है। सो हम लोगों को प्यास से होना, जब हम प्यास से होते हैं तो हम क्या करते हैं? मान लिया हम किसी बात के प्यास से, संसार की वस्तु ने, तो हम उसके लिए उपाय करते हैं, और अगर हम जानते कि फलाने व्यक्ति के पास वो चीज है तो हम उसके पास से लेने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते कि ये दान परमेश्वर के पास में, तो हमको परमेश्वर से ये चाहिए, तो हम परमेश्वर के सामने अपनी प्यास को प्रकट करेंगे, और जब हम प्यास को प्रकट करेंगे तो हो सकता है कि हम प्यास को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो हमको प्रार्थना करते हुए प्यास को प्रकट करना चाहिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो प्रेरितों के जीवन अनुभव के रूप में आया, वो कुरनेलियुस के जीवन अनुभव के रूप में आया, वो इफिसुस के लोगों में अनुभव के रूप में आया, वो मेरे जीवन में भी होना चाहिए। मैं उससे बिना नहीं रहना चाहता, मुझे वो अनुभव चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि उस प्यास को अनुभव करने के लिए या उसको प्रकट करने के लिए हम उपवास भी कर सकते हैं। हम उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आ सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, और उपवास के साथ अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, और परमेश्वर इस बात को देगा। मैं अपने जीवन के अनुभव को बताना चाहता हूं। मुझे पहले मालूम नहीं था कि अन्य भाषा का वरदान अभी भी काम करता है। मुझे जो परमेश्वर ने सिखाया था वो अलग तरीके से सिखाया था, आपको अलग तरीके से सिखा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता था कि लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं, सोचता था कि अन्य भाषा का वरदान शायद अब नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान होता तो व्यक्ति फेमस हो जाता। चंगाई का तो होता है, क्योंकि पत्रिका में पढ़ता हूँ कि फलाना चंगा हो गया, फलाना चंगा हो गया। अन्य भाषा का नहीं होता है शायद, क्योंकि व्यक्ति तो फेमस हो जाता ना, वो चाहता तो बांग्ला बोलता, चाहता तो चाइनीज बोलता, चाहता तो रशियन बोलता, चाहता तो फ्रेंच बोलता, वो कौन सी भाषा नहीं बोलता, फिर ऐसा आदमी फेमस कैसे नहीं होगा। मैं नहीं जानता था कि अन्य भाषा में तो हम उस भाषा को बोलते जो हम नहीं जानते, और हम चाह करके किसी भाषा को नहीं बोलते कि प्रभु मैं कन्नड़ बोलना चाहता तो कन्नड़ बोलने लगूं, प्रभु मैं फ्रेंच बोलना चाहता तो फ्रेंच बोलने लगूं, ऐसा नहीं होता। वो परमेश्वर जो भाषा चाहे वो बुलवाते। तो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन ऐसी घटना घटी, परमेश्वर ने इसका उपाय किया कि मैं लोगों को भाषा बोलते हुए सुनूं। मैंने इस बात को सुना और मेरे अंदर में इस बात की लालसा आई, मेरे अंदर में इस बात की प्यास आई। फिर मुझे एक दल में ले जाया गया जहां पर लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। तो जिस व्यक्ति जो मेरा दोस्त था वो मुझे लेकर गया था, वो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने देखा कि तो सबके सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे सिवाय मेरे, और मेरे अंदर वो प्यास और गहरी हो गई। और फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु ये अनुभव मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। दूसरा सप्ताह होने वाला था जहां पर फिर से प्रार्थना सभा के हम लोग इकट्ठे होते, तब फिर मैं कॉलेज आना जाना करता था। मेरे मन में एक ही बात घुसा हुआ था, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जब हम नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे मन में एक ही धुन है। जब हम पैदल चल रहे हैं, जब हम आ रहे हैं, जब हम ऑटो में बैठे हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, मेरे अंदर में एक ही धुन थी, मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए। एक सप्ताह मेरा इसी रीति से गुजरा, और मैंने इस बात का इंतजार किया कि कब मैं वहां पर जाऊंगा, और मैं वहां पर गया। फिर प्रार्थना का समय आया, वहां पर सब कोई प्रार्थना करने लगे, लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, और मैं पुकारने लगा, परमेश्वर से कहने लगा कि मुझे ये अनुभव चाहिए। मैं इतनी देर प्रार्थना करने लगा कि मेरा मुंह सूख गया, मुझे ज्यादा बोलने की तो आदत नहीं थी,
लगने लगा कि पता नहीं इतनी देर हो गया अनुभव नहीं मिला वो, फिर क्या होगा। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि एक आखिरी बार मैं मुंह खोलकर परमेश्वर से पुकारूं। फिर जैसे ही मैंने मुंह खोला मेरे मुंह से दूसरी भाषा निकलने लगी, हालेलुया। और फिर उस अनुभव में मैं इतना भर गया वहां पर मैं काफी देर तक वो भाषा बोलने लगा। लोगों ने बाद में आके मुझे शांत कराया, शांत रहो, दूसरा काम करना। लेकिन जब से वो अनुभव हुआ 20 जनवरी 2007 उस तारीख को याद रखता हूं, शनिवार का दिन था 20 जनवरी 2007, वो दिन मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन ठहरा। उसके बाद पवित्र आत्मा मुझे लिए चला और मुझे सिखाता चला गया। बहुत सारी बातें मेरे साथ में हुई, बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ में जुड़ गई, बहुत सारी गवाहियां मेरे साथ में चली आई। आज मैं आप लोगों के सामने इस बात को बता रहा हूं। और इतने समय से जब मैं परमेश्वर के वचन को मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं वो मैंने किसी दल में, किसी ग्रुप में, किसी स्टडी में बैठकर नहीं सीखा है। मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था, वो मैंने परमेश्वर के साथ सीखा, पवित्र आत्मा के साथ सीखा। कभी कभार किसी सेवक को सुनने का मौका मिला, छिटपुट वहां से कुछ सुनने का मिला, वहां कुछ सुनने का मिला, सिस्टमेटिक मुझे सुनने को नहीं मिला। मैंने थियोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाने लगा और सिखाने लगा मुझे, उस दिशा में ले जाने लगा जहां पर मुझे होना चाहिए, जहां पर मुझे ले जाना चाहता था, और वो मुझे यहां पर लेकर आया। आप उस बात को सीख रहे हैं, जो जीवन का जल मेरे भीतर है वो नदियों के रूप में बह रहा है, वो आप उसे ले रहे हैं, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ आप उसको रिसीव करने वाले न, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके भीतर से वो जीवन के जल की नदियां बहने पाए, ताकि लोग आप में से रिसीव करें, लोग आप में से प्राप्त करें, आप उस भरपूरी को बहाने वाले हो जाएं। वो अनुभव, उसके बाद का जो अनुभव है मेरे जीवन का, वो बिल्कुल अलग है। वो इतना महत्वपूर्ण अनुभव हो जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पवित्र आत्मा तभी आता है, उसके पहले नहीं आता है। वास्तव में ऐसा अनुभव हो जाता है, अनुभव से ऐसा जानते हैं। लेकिन मैंने इस बात को सीखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब मैं वचन की व्याख्या करूं तो अनुभव को साइड में रखें, तो उसके हिसाब से मैंने देखा तो नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक को लेकर दूसरे को दरकिनार नहीं कर सकते। और अगर एक मेरे पास है तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते, हमको दूसरा भी चाहिए, हमको चाहिए, मेरे जीवन में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। और हम लोग आपके लिए इस प्रकार से आयोजित करेंगे। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से बात की है इस विषय में कि हम लोग एक दिन निर्धारित करें जब हम लोग आपको प्रार्थना करने के लिए अधिक समय दे सकें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिखाने में अधिक समय लेते हैं, जहाँ पर आप प्रार्थना कर सके, जहाँ पर आप तैयारी के साथ में आ सके, जहाँ पर आप प्यास के साथ में आ सके, जहाँ पर हो सकता है कि आप उपवास करते हुए तैयारी के साथ में आ सके। हम लोग आपको कुछ बातें उत्साहित करने के लिए बोलेंगे, फिर आपको प्रार्थना करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। और जब आप प्रार्थना करेंगे आप इस बात की अपेक्षा कीजिए कि आप बोलेंगे, क्योंकि ये जो दान है वो हमारे किसी दूसरे क्वालिफिकेशन पर नहीं आता। कई बार सोचते हैं लोग कि शायद मैं पापी हूं इसलिए नहीं आ रहा है, शायद मेरे पापों के कारण से परमेश्वर नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, यीशु मसीह में उसने आपके पापों के लिए पूरी कीमत चुका दी, और वो दान इसलिए मिलता है क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करता है। हम लोग उसको वचन से पढ़कर देखें, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार और उसके अध्याय यीशु मसीह इस प्रकार कह रहे थे, 14 और उसके पद 16 से देखिए, यूहन्ना अध्याय 14 और पद 16 से, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, मैं तुम्हारा सहायक हूं यीशु के रूप में, लेकिन वह तुम्हें एक और सहायक देगा अर्थात सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। उसने चेलों से कहा, और उसने कहा कि उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात पवित्र आत्मा का वो दान संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते, वो उन पर उंडेला नहीं जाता। संसार के लोग अर्थात जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर के जन नहीं हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों पर वो दान नहीं दिया जाता।
क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वे ना तो उसको देखते हैं ना तो उसको जानते हैं। लेकिन वो हम पर उंडेला जाएगा, हम पर उंडेला जाता है जो हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारे भीतर में निवास करने के लिए है। और ईश मसीह ने कहा था ये क्या होगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तुम क्या विनती करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं खुद विनती करूंगा। सो पवित्र आत्मा का दान जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए विनती की है। तो आप इस विश्वास करने के लिए इस बात को सोचिए कि जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया क्या पिता उसका उत्तर नहीं देगा? देगा। इसलिए वो अनुभव हम पाएंगे, उसको नहीं पाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। और वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना बन जाएगी, वो एक ऐसा अनुभव बन जाएगा कि हम उस अनुभव के बाद लोगों के जीवन में, लोगों के सामने कुछ और तरीके से पेश आ सकते हैं। प्रेरितों ने क्या किया, जब यीशु मसीह उनको कहा ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से वो दान उंडेला ना जाए, यरूशलेम में ठहरे रहो, तो उन्होंने क्या किया? वचन कहता है प्रेरितों के काम की पुस्तक पहले अध्याय में उन्होंने एक चित होकर प्रार्थना में अपने आप को लगा दिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय उसके पद 14 वहां पर हम लोग पाते हैं जब यीशु मसीह उठा लिए गए, तब लिखता है पद 14 में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। यीशु मसीह ने कह दिया था पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ पाने के लिए इंतजार कर रहे थे और वे नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे एक जगह इकट्ठे होते थे, वे प्रार्थना करते थे और उन्होंने प्रार्थना करते हुए यहाँ पर लगभग 10 दिन गुजरे थे उनके लिए। 10 दिन लगभग उन्होंने लगातार प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, अपने प्यास को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर प्यासी भूमि पर जल की धाराएं बहाता है। परमेश्वर अनुग्रह से भी उंडेलता है। कुरनेलियुस उसके घर वाले लोग नहीं जानते थे पवित्र आत्मा कौन है, वे उसके विषय में नहीं जानते थे, कभी प्रार्थना भी नहीं की, वे तो वचन को सुन ही रहे थे कि उंडेल दिया गया। परमेश्वर की मर्जी, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहे अनुग्रह करेगा, जिस पर दया करना चाहे दया करेगा। तो अगर किसी पर उसको उसके प्यास को प्रकट करने से पहले उंडेल देना चाहते थे परमेश्वर पर है, लेकिन अगर किसी पर नहीं उंडेला गया है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं उंडेलना चाहता है, बस वो इतना चाहता है कि हम जरा प्यासे हो जाए। क्योंकि जब हम प्यासे होकर किसी चीज के लिए यत्न करते हैं तो हम उसकी कीमत भी समझते हैं। जब यूं ही आपको चीजें मिल जाती हैं तो हम लोग उसको ऐसे ही उसको वैल्यू नहीं देते। जैसे जिन घरों में बहुत खाने पीने के पदार्थ हैं, बच्चों को देखिए अच्छी अच्छी वस्तुएं दीजिए खाने के लिए, लोग खाएंगे नहीं, उनको कुरकुरे ही चाहिए, उनको लेज ही चाहिए, उनको पौष्टिक चीजें दीजिए उनको नहीं चाहिए। लेकिन जिन घरों में खाने का अभाव है वहां के बच्चों को दीजिए आप कुछ भी जाकर दीजिए, सब चीज खा जाएंगे, वे उसकी कीमत जानते हैं। उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि जब वो दान हम पर उंडेला जाए तो हम उसको सहेज कर रखें, हम उसकी कीमत समझें, हम उसका आदर करें। तो इसीलिए वो चाहता है कि हम प्यासे हो और वो चाहता है कि हम इसे एक एक जन प्यासे होकर ऐसे ही प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर देगा। आप तैयारी कीजिए, हमने बातचीत की है, एक तारीख हम लोगों ने निर्धारित की है मार्च के महीने में 13 तारीख जो बुधवार का दिन होगा, और उस दिन जो सभा होगी वो 1 बजे से होगी, और 1 बजे से मैं नहीं भी रहूंगा लेकिन परमेश्वर के दूसरे सेवक रहेंगे जो आपको उस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, आपकी सहायता करेंगे ताकि वो दान आप पर भी उंडेल दिया जाए। कुछ देर में मैं भी आऊंगा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास के साथ में मांगिए, यदि हो सके हम लोग उसके पहले भी 2 तारीखों में ऐसा इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 13 तारीख को मिलेगा, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्यासे प्रकट करने लगे, आप जाते जाते आपको मिल जाए। अभी आप प्रार्थना करते अभी आपको मिल जाए, आप घर में जाके प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, वहीं आपको मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है। परमेश्वर मुझसे बंधा हुआ नहीं है कि तुम जहां बोलोगे वहीं मैं करूंगा, नहीं वो कहीं भी कर सकता है। मेरी इच्छा ये है कि आपको अनुभव प्राप्त होने पाए। यीशु मसीह के विषय में कहा गया था, यूहन्ना ने कहा था मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं तो उसके जूते के बंधन भी खोलने के योग्य नहीं हूं। सोचो मेरा काम कितना छोटा है उसके सामने, पानी से हा? और वो जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। यहां पर थियोलॉजिकल हिसाब में
दो भाग हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो पहली घटना हमारे जीवन में आती है वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, क्योंकि पहला कुरिंथ और उसके 12वां अध्याय और उसके पद 13 हमने पढ़ा था, वहां लिखा था क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा और बाय वन स्पिरिट, जब हम उसको ग्रीक में पढ़ते हैं तो लिखता है फॉर इन वन स्पिरिट, इन ओटी पिन्यूमटी, एक ही आत्मा में। और कुछ लोग कहते हैं जो दूसरी घटना है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, पहली घटना नहीं है दूसरी घटना है। इधर वाले कहते नहीं यही है वो नहीं। तो इसलिए मैंने जो उंडे ले जाने का जो अनुभव है इसको इन दोनों में से कोई नाम नहीं रखा ना, ऐसा ना हो कि लोग कहें नहीं तो वो उस पार्टी का है, विवाद करें, फिर मैं इधर हो जाऊं तो कहेंगे तो तुम तो उस पार्टी के हो, हम लोग विवाद करें, तो विवाद तुम लोग अपना करो, मुझे उससे मतलब नहीं, बस ये अनुभव ले लो, कुछ भी नाम से इसको पुकारो पर ये अनुभव ले लो। हालेलुया, ये अनुभव ले जाइए आप, उसको कुछ भी नाम रखिए, कुछ भी नाम रखिए, लेकिन ये अनुभव आप ले लीजिए, क्योंकि ये अनुभव हमारे जीवन को पलट देता है। उतने दिन तक हमको लगता है परमेश्वर है कहीं तो है कहीं तो है, लेकिन अब वो अनुभव जब आ जाता है तब हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तब जानते परमेश्वर हमारे साथ में चल फिर रहा है, हम विश्वास के साथ चलते हैं, हम इस बात को अनुभव करते हैं कि जो बातें वचन में लिखी हैं वो मेरे साथ में हुई है। हालेलुया, हम आने वाले समय में और भी बातों को सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्यासे हों प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आपकी मर्जी होती है आप इस घड़ी पुकार सकते हैं, यदि आप चाहें उस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी अपने दान को लेने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कोई भाई आ जाए जो गिटार बजाने में जरा सहायता करें। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह को तूने हमारे सामने रखा, वो हमारे जीवन के लिए उदाहरण है, उसका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, फिर भी उसने यरदन में इंतजार किया कि पवित्र आत्मा उस पर आए। पिता हम धन्यवाद करते कि तूने हमारे जीवन को उस रीति से कर दिया, तूने हमें नया जन्म दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दिया, और तूने उसके बाद एक दूसरी घटना हमारे जीवन के लिए निर्धारित की है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तूने कहा है मैं प्यासी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा, मैं सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, उन पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। पिता हम धन्यवाद करते कि तू उंडेलना चाहता है, क्योंकि तूने इसके लिए भविष्यवाणी की, तूने योवेल के मुख से कहलवाया था मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। पिता यह अनुभव अद्भुत है, मैं जानता हूं यह अनुभव अद्भुत है, क्योंकि तूने उस अद्भुत अनुभव से मेरे जीवन को भरा। मैं इसको सिर्फ वचन के द्वारा नहीं जानता बल्कि मैं इस अनुभव के द्वारा भी जानता हूं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे लोगों के लिए, इन सारे प्रिय लोगों के लिए जो तेरे पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। पिता जो ये सीख रहे हैं वो सिर्फ शब्द मात्र में ना होने पाए, वो सिर्फ ऐसा ना होने पाए जो शब्दों का ज्ञान हो, लेकिन वो ऐसा हो जाए जो उनके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव हो जाए। जिस प्रकार पत्रस ने कहा कि वो दान जो तुम पर उंडे ला गया इसे तुम देख, हम पर उंडे ला गए सुन देखते हो सुनते हो। पिता वो दान यीशु मसीह नासरी के नाम से इनमें से हो जाए, इनमें से एक एक का हो जाए। पिता इनमें अपने आत्मा को उंडेल दीजिए, अपने आत्मा को उंडेल दीजिए पिता, जिससे कि तेरे पवित्र आत्मा से शरीर प्राण आत्मा में भर जाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू उंडेलने के लिए तैयार है, तू हर एक व्यक्ति की तरफ देख रहा है। हम धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनता है जिसने कहा था मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा। पिता वो सहायक इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में उंडेल रहा है। पिता इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप अन्य भाषा में पहले से बोलते हैं आप इस घड़ी आप बोल सकते हैं, और जितने आप नहीं बोलते आप हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं, आप अपना मुंह पसार सकते हैं, वो आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण कर देगा, अपनी आत्मा को आप पर उंडेल देगा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके मन में कोई ऐसे शब्द आ सकते हैं जिसको आप नहीं जानते, हो सकता है ऐसे शब्द आ रहे हो, आप उन शब्दों को बोलना आरंभ कीजिए, जब आप उसको शुरू करेंगे परमेश्वर बाकी बातों को आपके मुख से निकालने देगा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अनुग्रह दे रहा है, तू अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, इनमें से एक एक के ऊपर भी अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। भीमनाथ ही विद्यमाई रे मन्नाथ के लिए मां मेरा नाश न खैया मंडल हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो अपने आत्मा को डेल रहा है। हालेलुया, इनमें से एक एक जन को तो तृप्त कर। हालेलुया, मेरा नाम हन्नी मत्ती या नमन कमाई सुंदर लिया मिन्हाई मन को तीर नब सुंदर लिया नवाहा बराहन कंदीर अनुष्ण लिया मनुरे मिन्हा से मन लिया कुंदी जंतर किन्ना है यमासा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इनमें से एक एक जन तृप्त होने पाए, एक एक जन तृप्त होने पाए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो अपने अनुग्रह को प्रकट कर रहा है, जो अपने अनुग्रह को प्रकट कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम इन सारे प्रयोग के लिए प्रार्थना करते हैं, इनका जीवन ऐसे अनुभव से परिपूर्ण होगा जो तेरे आत्मा से भरा हुआ है। इनमें से एक एक जन ऐसे अनुभव से परिपूर्ण हो जाए जबकि यहाँ पर ये सीखने के लिए आते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की परिपूर्णता को लेकर जाने वाले हो जाए। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते स्वामी, आप अनुग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते स्वामी, हम आपको आदर और महिमा देते हैं। अनुग्रह कीजिए कि हम आपके चरणों के निकट बने रहें, आपसे लिपटे रहें।